अरे सम्मान मांग रहा है रोजगार को, तो खुद इतने पावरफुल है कि आदमी कर ले, सम्मान मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, रोजगार नहीं चाहे है इतनी काबिलियत कार्यकर्ता कट्टर कट्टर सागर एक्सप्रेस से जितेंद्र त्रिवाद हरगोविंद परसौरिया से आज हम जनता से रूबरू होंगे और पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदीप लारिया है तो सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी से आप जनता से रूबरू होंगे परसौरिया में परिवर्तन करेंगे परिवर्तन चाहेंगे नहीं परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि 1947 से जब से आजाद हुआ है देश तब से कांग्रेस सरकार ऊंचे और झूठे वादे रहे हैं और जनता गुमराह है। कांग्रेस में तुम भाजपा की बात नहीं, वो एक कारण यही है मुझे बेरोजगार करके लटका दिया और भटका दिया। तो प्रदीप ने बेरोजगार दे रखा है, प्रदीप लारिया ने मुझको सम्मान और कुछ योजनाओं का आधार दिया है जिससे रहा हूँ, जीने का आधार बना है। अच्छा प्रदीप नहीं जा रहा अभी चुनाव का पहरा है, इसलिए सब योजनाएं बंद पड़ी है ना। हाँ। और जब योजनाएं होगी शासन बनेगा नया हम आपके लाइन भटक दिया सदस्यता करवाई सरकार ये की है और सही है चल रही सही जनता के लाने कुछ कर रही है। जो परसौरिया में पानी की समस्या है, काहे की पानी समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, कब से चल गई चल रहे पानी मिल रहा खूब कमी है और बेरोजगार आदमी घूम रहे सब ये तो ऐसे कछुआ सबको मिल रहा है प्रदीप से रोजगार तो नहीं परिवर्तन की तरह चल रही है आदमी की सरकार बदल रही है ये तो बदल रखी है अच्छी आस भैया बदलो को बदलने वाले नहीं तो बदल है बार सरकार के नहीं भाजपा को भाजपा की गढ़ बिल्कुल पटके प्रदीप लारिया ब्याह नहीं होते तो 15 साल में आ जाते तो प्रदीप ने कहा देना प्रदीप ने कहा नहीं दो अरे आप कहाँ से आए बात वाइज हुआ है गाड़ी माड़ी का लेके हम तो टू व्हीलर ले आएंगे 15 साल पे रहे आते तो पंचर हो तो हमें 15 से 18 साल की बताओ तुम दो हाँ 15 से 18 की बता रहा कि देख ले 10 मिनट आ रहा था सागर जाए में 15 मिनट नहीं हुआ कह रहा है कि हमें रोजगार नहीं अरे सम्मान मांग रहा है रोजगार को तो खुद इतने पावरफुल है कि आदमी कर ले सम्मान मांग रहा है सम्मान मांग रहा है सम्मान मांग रोजगार नहीं चाहे है इतनी काबिलियत के जहाँ खड़े हो जाते हैं सर रोजगार चालू कितने जमीन है बिना जमीन के जमीन जरूरी ही थोड़ी ना है आदमी बिना होने चाहिए कांग्रेस ने दाव पाया हम बता रहे हैं कांग्रेस ने इतना विकास का इतना विकास का है कि सोनिया गांधी विश्व की 14 नंबर की अमीर महिला है इतना विकास करो उन्हें आप समझ सकते मोदी जी ने सब टाटा पानी मोदी ने कहा दाव पानी फिर कहे आदमी मोदी मोदी चला रहा मोदी तो बेचता ही जा रहा हूँ फिर कहे आदमी मोदी मोदी चला रहा हूँ भाजपा नरयावली में प्रदीप लारिया पटके पटके और 21,000 वोटों से 25,000 कार्यकर्ता कट्टर कट्टर अन्याय कर रोजगार नहीं है पानी हम बी ए फाइनल करे हैं हमें पता है कि हम रोजगार मतलब सरकारी नौकरी की लायक हम ही नहीं है अब जो है लायक से गिलाना मिल रही नौकरी जो नहीं हो गिलाना नहीं मिल रही नौकरी नहीं चाहिए हमें का, जब हम खुद का काबिल नहीं है हम कह रहे हैं सरकारी नौकरी काबिल नहीं है हम तो नहीं मिल रही हमें का रोजगार मिले हाँ। तो है हम कह रहे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बढ़ रही है 150 सीटें आ रही है 25,000 वोटों से प्रदीप लारिया जीत रहे एक तरफा उमा भारती को पता नहीं चलना चाहिए उमा भारती कछु नहीं है उनकी उम्र भी हो गई सुनो कैलाश पर जान गई कैलाश पे है कैलाश सिंह पटेल भी आ गए हैं बन सका था मुख्यमंत्री और भी नेता है तो शिवराज नहीं होना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हैं अब तो हाँ। यही है मतलब अब पार्टी को फिर ऊपर के सदस्य केंद्र में बैठे बड़े बड़े नेता बेहतर अपन थोड़ी अपन तो एक वोट दे पा रहे हैं अपन वोट दे हैं तो कोई जीत रहा प्रदीप लारिया जीत रहा है नहीं जीत रहा 25,000 से जीत रहा भैया सुरेंद्र गांधी 15 साल से हार रहा है अब कैसे जीत जाए फार्मेसी कर रहे हैं फार्मेसी रोजगार नहीं मिल रोजगार कम्प्लीट हो जान दो पहले कम्प्लीट हो जान दो पहले कब तक हो दो साल कौन जीत बीजेपी वोटा हाँ भाई कितने साल 19 साल 19 साल ये वटार हो गए दूसरी बार डाल रहे पहली बार ऐसा कौन जीत है चुनाव में कोई जीत अच्छा कान में बता दे सुनो तो कान में बता दे अच्छा कांग्रेस क्या
अरे सुनो तो बताना पड़ा तो बताने हमारी बात तो मानो क्या सुनो परिवर्तन चाय पी रही अब कौन जीत रहा है नरयाली में नरयाली विधानसभा में इस बार भैया सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र चौधरी कहाँ है सुरेंद्र चौधरी है या सिंह बहुत सी कमियां हैं बीजेपी सरकार की प्रदीप लाल यादव प्रदीप लारिया कह रहा हमने तो विकास करो पानी के लिए टोटी खुलवा देंगे जो खुलवा देंगे रोड बनवा देंगे प्रदीप एक मिनट प्रदीप लारिया जी के कैबेज है कोई के घर में पानी आ जाएगा प्रदीप लारिया कह रहे के हर घर नल जल योजना चालू है तो कोई के घर पानी जा रहा होगा परसोरिया में 7,000 लोगों की आबादी वालों गांव है और परसोरिया में तो मार्केट से लेकर आप अंदर तक चले जाओ जहाँ पोजीशन है कि एक वार्ड में 15 से 20 दिन में एक बार नल जल योजना आ रहा हूँ तुम्हें रोजगार चाहिए हमें रोजगार मिलो कम्प्लीट है मत प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना उससे किसके तहत हमें 10 लाख रुपए का लोन सेंशन हुआ है आप बाजार में दुकान देख सकते कपड़े की दुकान हमें बीए पास दूर हो रहे तुम क्या रह गए बाजार नहीं रोजगार नहीं आप कह रहे रोजगार नहीं मिला हमें मिला रोजगार हमें नहीं चाहिए हमें मिला है हमें मिला है उन्हें लोन सेंशन हुआ प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत परिवर्तन कुछ नहीं हुआ और हमारे बड़े भाई कह रहे हैं रोजगार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश देर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मिनिमम मध्य प्रदेश आप सर्वे जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं कार्यकर्ता नहीं है हम बता रहे हम तो है सब जमीन है मध्य प्रदेश स्वर मध्य प्रदेश महिलाओं को हर घर महिला को रोजगार मिल रहा मिनिमम 5 लाख महिलाओं का रोजगार मिल रहा मुख्यमंत्री द्वारा हमें नौकरी करना ही नहीं हमें बिजनेस करना था अच्छा हमें नौकरी नहीं करनी हमें बिजनेस करना नौकरी करनी नहीं करना बिजनेस सुरेंद्र चौधरी कह रहा हम कारखाना लगा बेकार है 70 साल में नौकरी नहीं दे पाए 9 साल में 18 साल में 9 साल में बेरोजगार बढ़ गए अचानक एक बात हम आई तो सुन ले 70 साल का पानी नहीं है सुन तो ले पानी की बता रहे हैं हम हम पाँच और सी यार हमें टमाटोल है टमाटोल का हमें हमारा प्रत्याशी के लोग बीजेपी में तो 8 हजार कहाँ चलेगी अब प्रत्याशी को भाजपा टमाटोल कांग्रेस में चल गया पहुंच गई है रोजगार नहीं अरे हमारे चक्कर सजल मोबाइल कंप्लीट मोबाइल शॉप बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध पता सजल मोबाइल सरस्वती मंदिर गली बड़ा बाजार सागर।